हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो वैसे हम कौन कौन से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या स्किल्स हमें चाहिए और क्या क्या चीज़ आपको सीखनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा। तो मैं सबसे पहला जो हमारा ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज है वो है फ्रीलैंसिंग वर्क। फ्रीलैंसिंग वर्क करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। फ्रीलैंसिंग वर्क में कोई पैसे कमाने कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आप पैसे कमा सकते हो। पर इसके लिए आपको कोई ना कोई स्किल्स आपके अंदर होनी ज़रूरी है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो तो आप फ्रीलैंसिंग वर्क करो, उसमें डिजिटल मार्केटिंग का वर्क करके अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करो। उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप में कोई स्किल्स नहीं है, अभी आप सोच रहे हो उसके बारे में, तो इंटरेस्ट है उसको अपना माइंड सेट करो और उसमें उस चीज़ को सीखो, उसके बाद फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई करो। इसमें आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। आप कोई भी चीज़ 3-4 महीने 5-6 महीने में यदि सीख सकते हो और उसके बाद अपना वर्क कर सकते हो। और अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमारा आता है यूट्यूब चैनल बना के। अगर आपको कोई प्रॉपर नीच, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग नीच की आपको कोई प्रॉपर नॉलेज है, या आपको ऑनलाइन मनी कमाने की या फिर फाइनेंस से रिलेटेड या फिर और भी काफ़ी ज़्यादा नीच होते हैं, ग्रोसरी वगैरह, हेल्थ वगैरह, अगर आप इनकी प्रॉपर नॉलेज है तो एक यूट्यूब चैनल ज़रूर क्रिएट करो। यूट्यूब चैनल पर अगर आपको लगता है कि आप अपने आप में इतना टैलेंट है कि आप अच्छे खासे अपने वीडियो में बता सकते हो कि मेरे ये प्रोडक्ट हैं, इसे फिट रहता हूँ, या आप डिजिटल मार्केटिंग इस तरीके सीख सकते हैं, तो जो भी आपका नीचे होगा आप कुछ भी बता सकते हो उसमें, तो चैनल जरूर क्रिएट करो। क्योंकि यूट्यूब चैनल पे भी पैसे कमाने कोई लिमिट नहीं है। जब आपको चैनल ग्रो होने लग जाता है, यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपके बहुत सारे जो साइड बिजनेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग जाते हैं। तो यूट्यूब चैनल जरूर बनाओ, पर उसके लिए आपको एक प्रॉपर बोलने का तरीका आना चाहिए और ये होना चाहिए कि किस तरीके से आप प्रॉपर उस चीज़ को समझा सकते हो। जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझाओगे तो आपको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में खुद नॉलेज पहले होनी चाहिए, तभी आप उसको समझा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको YouTube चैनल बनाने की सोच रहे हो पर आपके कोई नीच नहीं है, तो आप उस चीज़ को सीखो, 3-4 महीने लग जाएंगे। आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग को सीख लो, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। ये नीच मैंने आपको बता दिए हैं, इन पर वर्क करो, आपका चैनल जल्दी स्पीड से रैंक होएगा। और पर इनमें आपको प्रॉपर एक वीडियो बनानी आनी चाहिए और वीडियो एडिटिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप उसमें ग्रो कर सकते हो। चलते हैं हम तीसरे बिजनेस की तरफ। तो तीसरा हमारा है वो है आप कोई वेबसाइट बना के। जैसे कि आप में कोई टैलेंट है, आप राइटर हो, आप मोटिवेशनल थॉट्स लिखते हो, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हो, या फिर आप मनी फाइनेंस से रिलेटेड कुछ लिखते हो, तो आपको एक वेबसाइट बनानी है अच्छे तरीके से। उस वेबसाइट पर आपको रेगुलर वर्क करना है, डेली दिन में 1 या 2 ब्लॉग उस पर डेली के डेली पोस्ट करने हैं। जैसे आप उसको पोस्ट करते रहोगे तो आपकी वेबसाइट पर यूज़र इंक्रीज होते रहेंगे। जैसे ही आपकी वेबसाइट पर यूज़र इंक्रीज होंगे तो उसके बाद वेबसाइट से आप अपने सोशल मीडिया नेटवर्क को भी इंक्रीज, सोशल मीडिया नेटवर्क होते हैं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, इन पर भी आप अच्छा ट्रैफिक ला सकते हो और उसमें अर्न कर सकते हो। जितने यूज़र आपकी वेबसाइट पर रहेंगे, आप गूगल एडसेंस से उसमें काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, या लोगों की एडवर्टाइजिंग करके वहाँ से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है। आप चाहे कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लो, अगर आपकी कोई शॉप है, क्लोथ्स की शॉप है जैसे कि आप, तो क्लोथ रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाओ, उसमें क्लोथ्स डाल लो, अपलोड करो, उसमें जैसे आप उसमें यूज़र बढ़ेंगे तो आपके क्लोथ्स की सेल भी होएगी और आपके वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। तो आपके पास 2-3 सोर्स इकट्ठे हो जाएंगे कि क्लोथ से सेल करके आप पैसे कमा रहे हो और वेबसाइट से पैसे कमा रहे हो, और जो आपके सोशल मीडिया नेटवर्क के लिंक सारे वेबसाइटों में ऐड होते हैं उन पर ट्रैफिक आ रहा है, तो उनसे भी आप पैसे कमाओगे, ठीक है। तो वेबसाइट बनाने का भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन बिजनेस के लिए। पर हर चीज़ में मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, ये नहीं कि आपने एक दिन बना लिया अगले दिन बस पैसे आने शुरू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी हर ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। ये मैंने आपको बता दिए तीन टिप, तीन आइडियाज। हम बताता हूँ, मैं आपको फोर्थ आइडिया की तरफ चलते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का नाम शायद आपने सुना होगा। एफिलिएट मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, अपने एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने जो सोशल मीडिया नेटवर्क है या हमारा यूट्यूब चैनल है या कोई हमारी वेबसाइट है, उन पर हमने अच्छे खासे ट्रैफिक लाना होता है। सोशल मीडिया नेटवर्क जो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोअर होने चाहिए, यूट्यूब पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर होने चाहिए, वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक होना चाहिए।
उसके बाद ही एफिलिएट मार्केटिंग करने का फ़ायदा है। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो एफिलिएट मार्केटिंग मत करो, कुछ अर्निंग कर नहीं पाओगे आप उससे। अगर आपके पास कोई एक चीज़ भी है, अगर आपको इंस्टाग्राम फॉलोअर ही आपके अच्छे हैं तो इंस्टाग्राम पर एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे कमा सकते हो। यूट्यूब अच्छे सब्सक्राइबर है, यूट्यूब पर भी एफिलिएट मार्केटिंग करके पैसे कमा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग में पैसे कमाने कोई लिमिट नहीं है, इसमें आप अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हो। और कितने उसमें बड़ी बड़ी वेबसाइटों से कॉन्टैक्ट बनते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और अपने एफिलिएट मार्केटिंग अपना करियर बना सकते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बेस्ट ऑप्शन है बिजनेस के लिए, तो एफिलिएट मार्केटिंग जरूर करना। अगर आपके पास इंस्टाग्राम फॉलोवर है, फेसबुक फॉलोवर है, यूट्यूब सब्सक्राइबर है या आपकी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक है तो आप एफिलिएट मार्केटिंग जरूर करना। अगर आपके पास इनमें से कुछ नहीं है तो आप उस पर वर्क करो, तो आप उसको थोड़ा एक चैनल ग्रो करो, अपने फेसबुक को ग्रो करो, इंस्टाग्राम पर ग्रो करो, राम राम से ग्रो होएगा, सब चीज़ों में टाइम लगता है, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पर बिना फॉलोवर्स आप नहीं कर सकते इसको, एफिलिएट मार्केटिंग कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये बता दिए मैंने आपको चार बिजनेस आइडियाज़। अब मैं चलता हूँ अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो था जैसे कि अगर आप कोई वेब डेवलपिंग कर सकते हो, ऐप डेवलपिंग कर सकते हो, टूल्स वगैरह बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, आपको मतलब कि आप जॉब भी कर रहे हो किस चीज़ में और आप बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक सबसे बेस्ट बिजनेस है जो मैं खुद भी पर्सनली करता हूँ और उसमें मेरी पता नहीं मैं अच्छी खासी अनलिमिटेड मनी उसमें कमा रहा हूँ, तो वो बेस्ट है कि मैं एक वेबसाइट बना देता हूँ, ऐप बना देता हूँ, तो उसको मैं थोड़ा उसका SEO करता हूँ। इसके बाद उस पर एक flipkart.com प्लेटफॉर्म है, उस पर उसको सेल करता हूँ, तो वहाँ से अच्छी खासी वो वेबसाइट सेल हो जाती है, क्योंकि उस पर मिलियनों में ट्रैफिक है, सारे बाहर के क्लाइंट हैं और वो बड़ी जल्दी कोई अच्छी क्वालिटी की वेबसाइट ऐप उन्हें दिख जाए तो बड़ी स्पीड से उनको खरीद लेते हैं। तो flipkart.com से भी आप बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हो, बहुत बेस्ट है ये, बेस्ट से बेस्ट कहूँगा मैं इसको। पर इसमें यह है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर वेब डेवलपिंग स्किल होनी चाहिए, या फिर आप कोई टूल्स बना रहे हो या फिर आप ऐप बना रहे हो, तो इनमें से कुछ ना कुछ स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके नहीं है तो इनके अंदर सीखो, उसके बाद flipkart.com पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्ट में जो स्किल्स है तो उसका इस्तेमाल करो, अगर नहीं है तो फिर उसको सीखो, यही ऑप्शन होता है इसमें। आप अगर एक अच्छी खासी मतलब एक वेबसाइटों को अगर आप पूरी इन्वेस्टमेंट एक वेबसाइट में आपके 2000-4000 रुपये भी आ गई है तो flipkart.com पे आप उसको 50-60-70-80,000 तक भी बेच सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट बना के थोड़ा बहुत आपको SEO जरूर सीखना पड़ेगा, क्योंकि SEO से हमारी वेबसाइट या ऐप रैंक होती है, उससे फिर उससे लोग अच्छे खासे, जैसे हमारी वेबसाइट रैंक होएगी, ऐप रैंक होएगी, तो उस क्लाइंट उस पर ज़्यादा रेट भी हमें देने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत SEO सीखना पड़ेगा। अगर आप SEO सीखना चाहते हो तो SEO के लिए मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं ये बटन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इजीली उसे हो और वहाँ से समझ सकते हो, SEO सीख सकते हो। अब हम चलते हैं अपना लास्ट प्रोग्राम की तरफ, यह है कि इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूजर है, काफ़ी यूजर रील बना रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियो डाल रहे हैं, आधे सिर्फ इमेज पे कोई टेक्स्ट लिख के उससे भी आप अच्छी खासी उससे भी लोग अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं उनके, और एक इंस्टाग्राम की हेल्प से उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी ग्रो कर लिया है, फेसबुक भी ग्रो कर लिया है, चारों तरफ से वेबसाइट और पैसे कमा रहे हैं, वेबसाइट भी बना ली है उससे भी पैसे कमा रहे हैं, तो इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो इंस्टाग्राम पे कोई भी जिस नीच से आपको नॉलेज है, जिसमें आप अच्छा खासा लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो, समझा सकते हो, या कोई इन्जॉयमेंट की लगा लो, पॉजिटिविटी की लगा लो, मोटिवेशनल लगा लो, जो भी आपको जिससे भी आपका इंटरेस्ट है, तो एक प्रॉपर चैनल बनाओ, बिजनेस चैनल होता है इंस्टाग्राम पे। अगर आपका बिजनेस चैनल नहीं बनाना आता तो मेरे को बताना, मैं आपको चैनल पे ग्रो करके प्रॉपर वीडियो डालनी है, रेगुलर उस पर वर्क करना है, उसके बाद आप वहाँ से अच्छे खासे आगे फॉलोवर इंक्रीज हो सकते हैं, तो उसकी हेल्प से आप अपने यूट्यूब चैनल को भी ऊपर लेके जा सकते हो, फेसबुक को भी, वेबसाइट को भी, और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो चारों तरफ से। तो इंस्टाग्राम पे भी अगर आप टाइम स्पेंड करते हो ना, तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट है। अगर आप कुछ भी करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे अकाउंट जरूर बनाओ, उसके बाद उसे प्रॉपर वीडियो डाल लो, प्रॉपर उस पर पोस्ट डाल लो, जो भी आपका नीचे है, ठीक है। तो आज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करो, क्योंकि हम वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक्स वेबसाइटें शेयर करते रहते हैं, तो हमें वहाँ पर जरूर फॉलो करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट।